देखिए, रघुवर दास ने जो देश में और राज्य में जो एक नया हिनौना परंपरा सार्वजनिक किया, गढ़वा गया तो वहाँ एक जात विशेष के ऊपर आक्षेप लगाया। असेंबली के अंदर उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया वो आप सब लोग वाकिफ हैं, तो उनकी भाषा का भगवान ही सुधार करेंगे। और वही कारण है कि आज रघुवर बनाम जनता खड़ा हो गई है इस लड़ाई को लड़के, इनका सफाया करें। महाराष्ट्र में माहौल तो जो था वही है, जो किया गया है आज तक, रात के सोते हुए में प्रेसिडेंट रूल हट गया, नोटिफिकेशन जाहिर हो गया, ओथ हो गया, ये कभी आज तक सुने थे? तो ये सब मोदी राज का है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र के गवर्नर को भारत रत्न की उपाधि से सजाया जाना चाहिए। झारखंड में ऐसा है कि बीजेपी आज अलग अलग लड़ रही है, बहुत सारे पार्टी प्रत्याशी भी हैं, लेकिन जो दोनों मुखिया है एक दूसरे के आगे उसमें प्रत्याशी नहीं दिया, दिल्ली से अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया। क्या लगता है ये जनता को गुमराह करने वाले लोग कर रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपकी पोजीशन बहुत साफ हो जाती है। अब गुमराह उमराह करने का स्टेज नहीं है, लड़ाई साफ है। और आज तक इन लोग एक दूसरे को दबा के, लुभा के, डरा के रखते थे, अब वो डर खत्म हो गया है, इसलिए इनका बालू का भीत भाग गया है। और ये ढाना जो है इनके भावी सत्ता का भविष्य को ढाना मैं मानता हूँ। जिस तरह देखा जा रहा है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस फ्रंटफुट में ना जाकर बैकफुट में दिख रही है, इसका क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने बैकफुट और फ्रंटफुट नहीं, पूरा गठबंधन का सृजन जो है कांग्रेस ने किया। भाई उनको ज़्यादा सीट लड़ रहे हैं, वहाँ पहले भी उनका ज़्यादा संख्या था, ज़्यादा सीट लड़ रहे हैं, और वो विपक्ष के विरोधी दल के नेता रहे हैं, इसलिए ऑब्वियस है जो है वो कोई गलत नहीं है। और बीजेपी और आजसू के जो गठबंधन थी वो टूट चुकी है, और उसके बीच बीजेपी आजसू रामविलास जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, सब तो लड़ ही रहा है। अब इनका गठबंधन जो था उसका भीतर से जितना मोह माया था वो खत्म हो गया है, लोग आपस में एक दूसरे के लत्तम जुत्ता करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे रघुवर जी ने अपनी सरकार में कहा था कि हम 2019 आते आते हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचाएंगे, वो लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्या कांग्रेस पार्टी अगर इस बार सरकार में आती है? इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ रघुवर को कि 18 में कहा था उन्होंने कि हम हर घर में बिजली पहुँचाएंगे, कम से कम अपना सकल चुल्लू भर में देख ले पानी में कि जो बोला था वो सही था। जो आज भाट वोट मांग रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे, और जहां अंधेरा है वो सही है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम बिजली नहीं पहुंचा पाए तो हम वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि निश्चित तौर पे ऐसे अगर कोई मर्यादित रहता तो ये व्यक्ति इस्तीफा दे के हट गया होता कि हमने अपने वादा पूरा नहीं किया, और एक वादा पूरा नहीं किया, दर्जनों ऐसे हैं जो जनता के मूल सवाल से जुड़े वादे हैं जो पूरा नहीं किया।